बज रहे हैं लगभग 5 और हम पहुंच गए। अब हम पहुंच रहे हैं बैकल फोर्ट। बैकल फोर्ट किधर है? केरला में। गाइस फाइनली हम लोग केरला पहुंच गए और यहाँ हमारा सीक्रेट रिवील होता है कि केरला में घूमने के लिए। तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे हमारे घर जाके। अभी हमें दूसरा ट्रेन पकड़ना है, इतनी जल्दी में भाग रहे चलो। अभी हम लोग रुके हैं कासरगोड में, जहाँ से हमें जाना है पय्यन्नूर के लिए ट्रेन पकड़ना है और पय्यन्नूर से घर जाएंगे। वहाँ से थोड़ा ही दूर है, उधर से जाएंगे घर। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से हमारी ट्रेन हमारे उतरती तुरंत हमारी ट्रेन निकल गई और हाँ हम लोग अब घर पहुँच के पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको घर भी दिखाऊंगा, उसके आसपास एरिया सब 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 कवर होगा। तो तब जय हिंद। ये जो आगे जो ट्रेन देख रहे हो ये वंदे भारत है, क्या मस्त दिख रहा है। मेरा और मेरे दीदी का मन कर रहा था अभी अंदर ऐसे घुस के ट्रैवल कर लें, क्योंकि ये ट्रेन भी वहीं पे जा रही है और हमको भी वहीं पे जाना है। और फ़िलहाल मैं अभी चाय पी रहा हूँ, चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी। फ़िलहाल अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। रेलवे स्टेशन बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। फाइनली पहुंच चुके हैं मेरे मेरे मम्मी हम गांव आ गए मतलब मेरे मम्मी के घर पे। तो यहाँ पे ये नया घर बना है मेरा, तो इतना कुछ किया नहीं हमने, पेंट वेंट बाकी है कराना। बाकी मैं घर आपको बाहर से दिखाऊंगा, करा दो थोड़ा थोड़ी देर नहा लूँ फ्रेश हो लूँ फिर, क्योंकि बहुत थक गया हूँ आने के बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस ये हमारा नया घर, ये ऑलमोस्ट कितना एक साल हो गया बन के, सिर्फ एक साल हुआ है और ये अभी पेंट नहीं हुआ है, पेंट करना बाकी है। सिर्फ बाहर थोड़ा सा ऐसा कलर अच्छा गया है। और ये देखो ये जो है इस एरिया पे हमने कहीं भी अंदर भी कहीं कलर नहीं करवाया है, पेंटिंग बाकी है बिल्डिंग का। बाकी यहाँ पे मेरे नाना ने पौधे उगा रखे हैं अच्छे खासे। ये तुम लोग का अगर साउथ वाले जानते हो तो ये सिर्फ नारियल पेड़ का जगह है। और ये इधर एक जैक फ्रूट का भी पेड़ है, वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को। बाकी यहाँ पूरा पौधा पौधा लगा रखा है। मैं फिर हमारे ये जो है ये मेरे नाना का स्टोर है, मतलब वो छोटा सा शॉप चलाते हैं वहाँ पे। मैं उधर का भी दिखाऊंगा बीच में जाके। और ये पानी का वेल है इधर, और बस इतना ही है आज हम आ गए। और ये जो है ये मेरे घर का नाम है, हरिदम लिखा है, मतलब काइंड ऑफ मेरी बहन का नाम उठा है और कुछ नहीं। हेलो, मैं हूँ मक्खी राजा, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये नहीं बोल रहा है, ये मर गए, वरना ये फ्री हो गया था मरने का। मैंने इसको उठा के यहाँ पर रखा, वहाँ यही लग वैसे ही रहा है कि नमस्ते कर रहा है आके। और यहाँ बारिश चालू हो गई। हमारे घर का सबसे यंग पर्सनालिटी
A few moments later. एक ये है और एक वो है. A little longer than a few minutes later. वाले तो दो से वाले तीन. गाइस अभी हम लोग थोड़ा आसपास से घर से घूमने जा रहे हैं और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई श्रीदेव. हाय तो बोलो. हाय. कुछ हिंदी में बोलो. उसको हिंदी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है. नहीं तो बोल दो. नहीं. तो अभी हम लोग थोड़ा मंदिर वंदिर जाने का सोच रहे हैं. हाँ यहाँ ये रास्ते में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिखाता हूँ मैं. ये देखो गाइस, टच मी नॉट. यहाँ पे भी कैक्टस उगते हैं हल्के हल्के. और ये पूरा रोड मेनली थोड़ा टूटा फूटा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चलते हैं लोग, ज़्यादातर लोग चल के जाते हैं. और मतलब ये थोड़े इंटरनल रोड्स है तो यहाँ से तो बहुत कम लोग जाते हैं. बाइक वाइक आ जा सकता है और ऑटो का थोड़ा कम आना जाना होता है, ऑटो और कार का. तो इसे यहाँ आगे ही है मंदिर. थोड़ा हम अंदर तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बाहर से कर लेंगे. यहाँ पे केरला में फुटबॉल का बहुत शौक है. यहाँ पे हर एक जगह ग्राउंड होता है. ये हमारा मंदिर है. ये यहाँ का अरे കുളത്തിന്റെ ഹിന്ദി എന്താ? കുളത്തിന്റെ ഹിന്ദി എന്താ? കുളത്തിന്റെ ഹിന്ദി. अरे मैं क्या बताऊं. ये यहाँ का कोलम है. मतलब मंदिर में जो फ्रेश होने से पहले एक स्नान लेते हैं, ये वो जगह. चौथा फ्रेंड फंड अप. ये मेल है और ये अटैक कर सकता है कभी भी और इसको कोई डर नहीं है. नहीं लगा अच्छा रहा है कुछ भी बोलो. ये जगह देखो गाइस, ये यहाँ का खेती वाला एरिया है. इतना मस्त जगह लगता है ना, हमेशा मैं इधर आता हूँ. ये पूरा खेती वाला एरिया ना कूल लगता है. हम लोग मैं जब थोड़ा छोटा था तो यहाँ थोड़ा गाय हुआ करते थे तो हम लोग इधर आके खेलते थे थोड़ा टाइम. अभी तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं कल्टीवेशन टाइम नहीं हुआ है इसीलिए पानी 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 दिख रहा है आपको. वहाँ से रास्ता जाता है ऐसे 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 ऐसे. मुझे पता चला ये जो खेत में पानी आ रहा है वो हमारा आ रहा है सीधा रिवर से. ये रिवर का फ्लो यहाँ पे कनेक्ट होता है और यहाँ से जाके ये रोड से जाते हुए इधर जाता है और पूरे खेत में पानी देता है. यहाँ पे अभी चलते चलते मेरा ध्यान गया ये लीफ पे. ये वाइट कलर का लीफ है. ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. नहीं एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. गाइस वाटरफॉल नहीं बोल सकते, ये रिवर का पानी है. तो ये जो भी हम लोग इसे तोड़ बोलते हैं, ठीक है तोड़, ये तोड़ का पानी दूसरी बार दिख रहा है. इतना मस्त लग रहा है. इस साइड देखो जो फ्लो है, एक सेकंड दिखाता हूँ. इस साइड ये फ्लो बढ़ रहा है और इसके अंदर मछलियाँ भी है. और लोग यहाँ पहले के टाइम पे मतलब अभी भी करते हैं, यहाँ पे लोग आके फिशिंग करते हैं हल्का हल्का. और पहले ये जो रोड था ये यहाँ पे नहीं था, ये दो रोड जो दिख रहे हैं आपको इसके जगह पहले यहाँ पे
सिर्फ ये तोड़ था जिसमें लोग चल के जाते थे और बस ऐसे गीला गीला होके जाते थे नहा नहा के। यहाँ से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है 4,800 किलोमीटर की दूरी और मैं वहीं जा रहा हूँ। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। एक समरी दे देता हूँ, हम लोग वो रास्ते से आए, ये हमारा मंदिर है, इसके आगे वो कॉलम है मतलब जो स्विमिंग पूल टाइप आपने देखा मतलब जहाँ पे नहाते हैं लोग, और ये है वो खेत जहाँ पे हम चलने वाले हैं अभी थोड़ी देर। ये जो एरिया है यहाँ पे लोग जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे गाय चराने आते हैं। हम लोग जब छोटे थे थोड़े तो इधर आते थे, इधर हमारे वो पीछे घर दिखा वहाँ वहाँ पे गाय रखा था, वहाँ पे उसका बछड़े को हम लोग ऐसे ही मतलब जान पहचान वाले थे तो हम लोग उसके बछड़े को लेकर इधर खेलने आते थे थोड़ा, तो थोड़ा मतलब 4 साल बाद आ रहा तो अच्छा अच्छा क्या बोलते हैं मोमेंट्स याद आ रहे पहले के, तो अच्छा फील हो रहा है। ये हमारा ये एक ब्रिज है बेसिकली, ये थक गया था और चैटिंग करनी थी इसको तो हम इधर तो हम इधर आके बैठ गए। ये देखो मैं और इसमें मछलियाँ भी है जो शायद आपको दिख जाएगी यहाँ अगर आए तो, हाँ दिख गए होंगे बहुत छोटे छोटे। शायद आपको दिखा होगा अगर ये जो घर है ये मेरे को अमीरों वाला घर लगा क्योंकि देखो ये नारियल के पेड़ और ये वगैरह वगैरह सारे पेड़ इतने सारे लगा रखे, इतना प्यारा लग रहा है वो घर। देखो सबसे अलग यही घर दिखेगा आपको, यहाँ नारियल के पेड़ लगे हुए और सबसे अलग ये घर दिख रहा है। कुछ गाय यहाँ पे चरने छोड़ दिए गए, हम लोग फिलहाल ये गायों तक पहुँचे, मेरे को डर भी लग रहा है कि ये सिंग मारने ना आ जाए तो मैं थोड़ा जल्दी कट लेता हूँ। तभी फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमको चाय के लिए कॉल आ गया कि तुम लोग चाय के लिए आ जाओ करके। फिलहाल श्रीदेव आगे चल रहा है और मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। अरे वाह, क्या लुक है यार ये खेतों के बीच में मस्त बर्ड्स उड़ते हैं, मज़ा आ गया। बाय बोला, बाय। सब्सक्राइब करने वाला, सब्सक्राइब करो लाइक करो और कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो, वरना का रीला। हाँ वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।